अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान एंड माय रोल नंबर इज़ IT 172006 एंड आई एम फ्रॉम IT 8th। सो बेसिकली हमने अपने FYP में जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है द लॉयर्स असिस्टेंट एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन भी है और एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है। सो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने ये चूज़ क्यों किया, तो उसके लिए ये था कि हमें मतलब लगा कि जो लॉयर्स हैं वो मैनुअली काम कर रहे हैं, वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। लाइक के जो डॉक्यूमेंट को मैनेजमेंट करना, मतलब डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना, फिर उनको सर्च करना, या अगर केस ज़्यादा हैं तो उनमें सर्चिंग जो है वो काफ़ी मुश्किल है, फिर लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो हमने उनका जितना भी मैनुअल काम था, लाइक के पेमेंट, मतलब आप कह सकते हैं कि ऑफिस का जितना भी काम था, उस सब को हमने ऑटोमेट कर दिया कि एक लॉयर जो है वो इस हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए अपना पूरा ऑफिस जो है उसको मैनेज कर सकता है। इसमें केस ऐड कर सकता है, इसमें पेमेंट ऐड कर सकता है, रिलेटिव सॉरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इसमें ऐड हो सकते हैं, और डॉक्यूमेंट जो है वो क्लाइंट इसमें डॉक्यूमेंट अपने एक्सचेंज कर सकता है डायरेक्ट उसी वकील को जिसके पास उसका केस होगा। तो इसी वजह से हमने सोचा कि ये प्रॉब्लम है तो क्यों ना इसको हल किया जाए। तो हमने ये एक वेबसाइट तैयार की है और एक एंड्रॉयड ऐप हमने बनाया है। तो बेसिकली वेबसाइट जो है ये जो लॉयर का असिस्टेंट होगा वो यूज़ करेगा, वो करेगा ये कि इसमें वो जो भी डाटा वगैरह इंसर्ट कराना होगा, लाइक केस अगर ऐड करवाना है वो उसका असिस्टेंट जो होगा वो करवाएगा, और जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी जो मतलब लाइक पेमेंट के से रिलेटेड होगी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होगा वो उसका क्लाइंट वेबसाइट पर अपलोड कर देगा, लेकिन जो लॉयर होगा वो उसको अपने मोबाइल पे देख सकेगा। हमने जो है एंड्रॉयड में मोबाइल सॉरी जो है हमारा बनाया ऐप हमने जो वो करेगा क्या कि वो उसी डेटाबेस से डाटा फेच करेगा, और लॉयर जो है वो डेली के केस अपने देख सकता है कि मेरे आज के केस कितने हैं, डेट हर केस की देख सकता है, कल के केस कितने हैं, मतलब सारी केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो एंड्रॉयड ऐप पर देख सकता है। तो बेसिकली ये हमारा होम पेज है जिसमें कुछ इंट्रोडक्शन है हमारे बारे में, और उसके बाद यहाँ से आप हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिंक है कि thelawyerassistant.xyz, इस पर होस्ट कराई है हमने वेबसाइट, ऑनलाइन है, आप एक्सेस कर सकते हैं इसको। और उसके बाद ये फीचर्स हैं हमारे कुछ जो हमने प्रोवाइड किए हुए इस वेबसाइट में, ऑर्गेनाइज है, हेयरिंग अलर्ट है, कोलेब्रेशन है, एक्सेस फॉर्म है, और इंस्टेंट डाटा एक्सेसिबिलिटी है। ठीक है, अगर कोई भी इशू किसी को भी होगा तो जाहिर सी बात है वो हमसे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा फेसबुक, इंस्टा, गूगल, लिंकडिन एंड लिंकडिन पे मतलब हम अवेलेबल हैं, तो उस वहाँ पर भी जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सीधा लॉयर हो या क्लाइंट हो वो सीधा लॉगिन पे जाएगा, और सबसे पहले जो है वो यहाँ से सेलेक्ट करेगा, अगर तो लॉयर है तो जाहिर सी बात है लॉयर सेलेक्ट करेगा, और अगर क्लाइंट है तो वो क्लाइंट सेलेक्ट करेगा। तो मैं पहले जो है लॉयर से लॉगिन करवाऊँगा। ठीक है, तो यूज़र नेम जो मैंने रखा हुआ है वो है W999 है, एंड इसी तरीके से मैंने एक पासवर्ड सेट किया छोटा सा। ठीक है, लॉगिन सॉरी आई W999 एंड 000। अच्छा ठीक है, लॉगिन हो जाएगा इस तरीके से, और जैसे ही लॉगिन होगा तो जो लॉयर होगा या उसका असिस्टेंट जो भी होगा वो यहाँ पे अपने सारे जितने भी केसेस उनसे रिलेटेड होंगे वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये ऐसे है कि मतलब ऐसे नहीं होगा कि चूँकि ये वेबसाइट तो हमने होस्ट करवाई है तो लॉयर्स आके लॉगिन करेंगे और अपना डाटा जो है वो इनपुट करवाएंगे, तो हर लॉयर जो है वो अपने से रिलेटेड केस ही देख सकता है, अपने से रिलेटेड क्लाइंट्स को ही देख सकता है। ऐसा नहीं होगा कि एक लॉयर दूसरे लॉयर का डाटा देख रहा है, बिल्कुल भी मतलब ये सिक्योर है, ऐसा कोई भी मतलब मसला नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ से ऑल केसेस हैं, ठीक है, रनिंग केसेस भी देख सकते हैं कि कौन से केस जो हैं वो एक्टिव हैं, उसके बाद पेंडिंग कितने पड़े हैं, एंड देन कंप्लीटेड केस, कंप्लीटेड कोई नहीं है, तो उसके अलावा जो है क्लाइंट्स कितने उसके पास हैं वो देख सकता है। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो क्लाइंट्स को अलर्ट सेंड कर सकता है। ये एक स्पेशल फीचर है जो हमने ऐड किया है कि मतलब लाइक कि अगर कल को या आज मतलब जब भी डेट है हेयरिंग की किसी भी क्लाइंट की,
तो लॉयर या उसका असिस्टेंट क्या करेगा, यहाँ से वो देखेगा कि आज के केस कौन कौन से हैं, जैसे मतलब वो आ जाएंगे सारे केस, उसने जस्ट क्या करना है, सिंगल इस पर क्लिक करना है सेंड अलर्ट पे। जैसे ही वो इस पर क्लिक करेगा, जो मैसेज है वो उस नंबर पे चला जाएगा, उसी क्लाइंट के नंबर पे। तो ये एक स्पेशल फीचर था जो हमने ऐड किया है, ठीक है। उसके अलावा अबाउट अस का पेज है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसमें भी, और फीडबैक है। यहाँ से जो है लॉयर्स जो है वो यहाँ से फीडबैक हमें देंगे, ठीक है। तो जो केस है वो यहाँ से ऐड हो सकता है, ऐड केस में, ठीक है। यहाँ से अगर क्लाइंट ऐड है पहले से तो ठीक, अगर नहीं ऐड तो यहाँ से जो क्लाइंट है वो इजीली आप ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं ऐड करके दिखाता हूँ, मैं नाम दे देता हूँ मोहम्मद, मोहम्मद तलहा कर देता हूँ मैं नाम। एंड जो सी एन एस, इस पर सारी वैलिडेशन लगी हुई, लाइक आप इसमें जो है नंबर्स नहीं टाइप कर सकते, और वैलिडेशन का फार्मेट मैंने ये दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप फार्मेट देंगे तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। हर तरह की वैलिडेशन इस पर मैंने लगाई हुई है। कॉन्टैक्ट का भी ये फार्मेट दिया हुआ है कि बिल्कुल इसी फार्मेट में कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है। ईमेल अगर आप ईमेल के अलावा कोई भी देंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ पे प्रॉपर ईमेल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। लाइक ये ईमेल जो मैंने दिया है, और पासवर्ड जो है वो भी आपको प्रॉपरली देना पड़ेगा, जिसमें एक नंबर का होना मस्ट है, ठीक है। उसके बाद एक स्पेशल करेक्टर का होना मस्ट है, एक जो है अपर केस, देन एक लोअर केस, एंड मिनिमम 8 करेक्टर, ठीक है। हर चीज़ जो है वो इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, देन ये मतलब इंसर्ट हो सकेगा। सॉरी, एड्रेस में आप कुछ भी देख सकते हैं अपना एड्रेस, इसमें भी आप नंबर इंटर नहीं कर सकते, सेम एज क्लाइंट नेम जो है, सॉरी सिटी नेम जो है वो भी आप कोई भी दे सकते हैं। एंड देन जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये क्लाइंट ऐड हो गया, ठीक है। और यहाँ से आप वो क्लाइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए मोहम्मद तलहा आ चुका है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका केस जो है वो आप यहाँ पे ऐड करवा देंगे, सारी इन्फॉर्मेशन इस पर भी सारी वैलिडेशन लगी हुई हैं, ठीक हो गया। यहाँ से आप हर चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, लाइक के फाइल नंबर में आप जो है इंटीजर सिर्फ टाइप कर सकते हैं, केस टाइटल में आप सिर्फ और सिर्फ लेटर्स टाइप कर सकते हैं, ठीक है। मैं करके भी दिखा देता हूँ, ये देखिए मैंने क्लिक किया, अगर मैं लेटर्स टाइप करता हूँ तो टाइप हो रहे हैं, अगर मैं नंबर टाइप करूँ तो ये टाइप ही नहीं हो रहे, ठीक है। हर तरह की वैलिडेशन पे लगी हुई हैं। और उसके अलावा जब केस ऐड हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ से वो डॉक्यूमेंट ऐड कर सकता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए उसने सिंपली यहाँ से अपना केस सेलेक्ट करना है, जो भी उसने ऐड करवाया होगा, और डॉक्यूमेंट का टाइटल देना है, लाइक के देखें, अगर डॉक्यूमेंट एक तो नहीं होता ना, एक केस का काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो हर दफ़ा जो भी क्लाइंट सॉरी जो भी उसका असिस्टेंट होगा, वो जब भी डॉक्यूमेंट ऐड करेगा तो वो जाहिर सी बात है एक उसका टाइटल देगा, ताकि बाद में सर्च करने में उसे आसानी रहे, ठीक है। तो यहाँ से टाइटल देगा और चूज़ फाइल करेगा, तो मैं लाइक एक ऐड करके दिखा देता हूँ आपको, 234 केस नंबर है, और मैं इसको दे देता हूँ टाइटल इनिशियल डॉक्यूमेंट्स, एंड मैं इसमें कोई फाइल अपलोड करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। लाइक कि अगर मैं ये वाली फाइल जो है वर्ड फाइल है, और इसको मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है सक्सेसफुली इंसर्टेड, ठीक है। अब मैं जाके देखता हूँ कि जो 234 केस है उसके अगेंस्ट जो मैंने ऐड किया है, क्या वो ऐड हुआ भी है कि नहीं, 234 केस नंबर। एंड जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करूँगा, सॉरी 234, ये देखें, जैसे ही मैंने उस पर केस को सर्च किया तो इनिशियल डॉक्यूमेंट के नेम से ईमेल डॉक्स आ गया, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट को हमने मैनेज किया हुआ है, सेम एज जो है यहाँ से पेमेंट जो है उसको भी मैनेज किया हुआ है। आप पेमेंट ऐड करवा सकते हैं, पेमेंट अपडेट करवा सकते हैं, पेमेंट व्यू कर सकते हैं कि कौन से केस की पेमेंट कितनी पेमेंट ले ली है। पेमेंट में भी हमने ये स्पेशल चीज़ ये की है कि किसी भी टाइम पे जो लॉयर होगा वो पेमेंट को अपडेट कर सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल केस के स्टार्टिंग में आधे पैसे उसने ले लिए, अब ऐसा नहीं हो सकता कि बाद में लॉयर कहे कि यार ये तो कम लिए थे मैंने, यहाँ ज़्यादा लिए थे, क्योंकि वो डाटा सेव हो चुका है क्लाइंट के पास। मतलब जो क्लाइंट आएगा तो वो कहेगा कि हाँ ये डाटा सेव है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो है पेमेंट को हमने मैनेज किया हुआ है कि लाइक अगर 5,000 दे दिया था तो रिमेनिंग जो है वो 5,000 रह जाएगा, ये सारा डाटा इसमें सेव होगा उस केस से रिलेटेड, ठीक है। और
ये सारे तकरीबन फीचर हैं सारे, और ये जो है कम्प्लीटली वर्किंग में है, और किसी हद तक जो है ये रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे आके 768 से जैसे नीचे आएगी तो ये केस वगैरह जो है वो रिस्पॉन्सिव भी हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो ये लॉग आउट हो जाएगा। अगर आप दोबारा बैक पे क्लिक करते हैं तो ये आपको आगे उधर नहीं जाने देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा, क्यों, क्योंकि आपका जो सेशन होगा वो एंड हो चुका है, ठीक है, आपने लॉग आउट कर दिया था। सही है। तो इसी तरीके से जो है क्लाइंट भी लॉगिन कर सकता है। क्लाइंट के लॉगिन करने के लिए जो है क्लाइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट का ईमेल जो है, क्लाइंट को वो अपना ईमेल देना पड़ेगा। लाइक मैंने एक क्लाइंट को ऐड करवाया हुआ है, मैं उसको करके दिखाता हूँ। 99, ठीक है। तो ये है क्लाइंट का जो होगा, मतलब लॉयर का जो क्लाइंट होगा उसका ये डैशबोर्ड है। वो यहाँ से क्या करेगा, अपना केस नंबर, वो जिस मतलब आईडी से लॉगिन करेगा तो उसको उसी का केस नंबर ही शो होगा, मतलब जो उसने केस जिस वकील के पास रजिस्टर किया होगा सिर्फ वही केस उसको शो होगा। वो अपना केस नंबर सेलेक्ट करेगा, डॉक्यूमेंट टाइटल लिखेगा और फाइल अपलोड करेगा और सबमिट पे क्लिक करेगा तो वो सबमिट हो जाएगी, और अपना वो केस यहाँ से देख सकता है। व्यू केस पे करेगा तो सारी इन्फॉर्मेशन अपनी देख सकता है, ठीक है। सेम उसके बाद आ जाता है जी हमारा एंड्रॉयड ऐप, तो वो भी मैं आप लोगों को रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली मैंने एमुलेटर पे चला रहा हूँ, लेकिन ये जो है चूँकि वेबसाइट होस्ट की हुई है तो वो डाटा जो है वहीं से मतलब ये भी उठा रहा है। APIs बनाई हुई हैं हमने REST, उस API के थ्रू इसको जो है हम डाटा फेच करवा रहे हैं। ये अभी रन हो जाएगा। ठीक है जी, ये एंड्रॉयड ऐप है, ये है बिल्कुल बेसिक सा, क्योंकि हमने इस पे सिर्फ जो है लॉयर को सिर्फ हमने केस दिखाने थे कि जो आपके डेली के केस हैं वो कौन से हैं, जो कल के हैं वो कौन से हैं, और जो मतलब परसों के हैं या सॉरी नेक्स्ट वीक के हैं वो कौन से हैं, ठीक है। इस पे भी मैं सेम आईडी से लॉगिन करके दिखा देता हूँ, W999 एंड 000, ठीक है। जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा तो ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा API के थ्रू एंड लॉग इन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो इस पे ठीक है, ये केस आ गए कंप्लीट आ जाएंगे। अगर वो टुडे पे क्लिक करेगा तो टुडे केस आ जाएंगे, ठीक है। टुमारो पे करेगा तो टुमारो केस आ जाएंगे। सेम एज नेक्स्ट वीक पे क्लिक करेगा तो नेक्स्ट वीक के जितने भी केसेज हैं वो उसे शो हो जाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ से वो अपना केस कोई भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। लाइक कि अगर केस नंबर मैं 2 सर्च करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे 2 टाइप करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा तो ये केस नंबर 2 आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो है अबाउट अस का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है इसमें दिया हुआ है, और सपोर्ट के लिए ईमेल दिया हुआ है हमने अपना, ठीक है। और यहाँ से वो लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा सिस्टम था, उम्मीद है कि पसंद आया होगा आपको, इसकी इन्फॉर्मेशन जो अच्छी लगी होगी, तो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा आपको। थैंक यू सो मच।